नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन, आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। शहीद खुदीराम बोस की अंतिम तीन इच्छाएं 110 साल बाद हुई पूरी। बालिका गृह में जांच के लिए पहुंची सीबीआई और एसएफएल की टीम ने हर कमरे की जांच कर कई जगहों का लिया नमूना। जिलाधिकारी के द्वारा गठित टीम ने खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में 4 घंटे तक की सघन जांच। और अखाड़ाघाट पुल के नीचे बूढ़ी गंडक नदी में अज्ञात व्यक्ति की लाश उफनाने से मची अफरा तफरी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमर शहीद खुदीराम बोस की अंतिम तीन इच्छाएं 110 वर्षों बाद पूरी हुई। इस दौरान केंद्रीय कारावास में सुबह 4 बजे से जिला प्रशासन ने फांसी स्थल पर माल्यार्पण की और श्रद्धांजलि दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान होगा। जो लोग देश के लिए शहीद हो गए उसे हम लोग कभी भुला नहीं सकते। चाहे जितना भी जमाना बदल जाए पर हम लोग की आजादी के लिए शहीद होने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे और जमाना उन्हें याद करता रहेगा। ऐसे ही शहीदों के नामों में एक नाम अमर शहीद खुदीराम बोस का है, जो 19 वर्ष की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी चढ़ गए और उन्हें फांसी कहीं और नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में ही आज के दिन दे दी गई थी। शहीद खुदीराम बोस की 110वीं शहादत दिवस पर प्रशासन की तरफ से शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसडीओ, डीएसपी समेत जिले के सभी आला अधिकारियों ने केंद्रीय कारा के भीतर फांसी स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह 4 बजे आला अधिकारियों का महकमा जेल पहुंचा, सभी फांसी स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सारे आला अधिकारी ने जेल के बाहर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहादत को रेखांकित किया ही नहीं जा सकता। अगर रेखांकित किया जाता तो सब लोग शहीद के रास्ते पर चल चुके होते। ये शहादत अतुलनीय है जिसने भारत को स्वतंत्रता दी है और आज हम लोग खुले हुए आसमान में, खुली हुई हवा में अब पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ सांस ले पा रहे हैं। और इस अवसर पर आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। बंगाल से उनके परिवार के लोग भी आए हैं, मुजफ्फरपुर से भी लोग आए हैं, मंगला एकेडमी की तरफ से भी लोग आए हैं, आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त, आदरणीय डीआईजी साहब, एसएसपी महोदया, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग सब भाव विभोर होकर के शहीद खुदीराम बोस जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हैं। शहीद खुदीराम बोस, जिनका कि आज शहादत दिवस है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी जो शहादत है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, इतनी यंग एज में 18 साल के थे मात्र वो जब शहीदी पाई उन्होंने, तो मैं यही आज के नौजवानों को अपील करना चाहूँगी कि ज़रा सोचें, उनसे प्रेरणा लें, देखें कि किस तरीके के भारत का उन्होंने सपना लिया था। तो उन्होंने, उनकी शहादत के बदले हमको आज़ादी मिली है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो सपना हमारे शहीदों ने हमारे भारत के लिए लिया है, तो सभी नौजवान उनसे प्रेरणा लें, इस देश को आगे बढ़ाने में, खुशहाल रखने में, विकसित करने में अपना योगदान दें। यही मेरी अपील है सबसे। धन्यवाद। अमर शहीद खुदीराम बोस की अंतिम तीन इच्छाएं 110 साल के बाद शनिवार को पूरी हुई। दरअसल फांसी की सजा सुनाने के बाद खुदीराम बोस ने अपनी 4 अंतिम इच्छाएं पूरी करने का आग्रह किया था, मगर अंग्रेजों ने इसे इनकार कर दिया था। उसमें अपनी माटी चूमने से लेकर काली माँ की चरणामृत पीने की इच्छाएं शामिल थी। जीते जी खुदीराम की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, मगर 110 साल के बाद उनके गांव के मिदनापुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरिंदम भौमिक ने 110वें पुण्यतिथि पर पूरा किया। हम लोग सब शहीद खुदीराम बसु का, शहीद खुदीराम बसु जब 13 जुलाई 1908 साल में, तो जज साहब जब उनको पूछा तुम्हारा लास्ट अंतिम इच्छा कौन कौन है, तो बोला तो स्वयं हमारा मिदनापुर एक बार देखना चाहता हूँ और हमारा दीदी का लड़का लड़की को और हमारा घर का सामने जो सिद्धेश्वरी माता जी है उनका चरणामृत तो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए इस साल दादा आना उनका चरणामृत तो मंदिर का और उनका जन्मभूमि का मिट्टी सब लेकर हम आया, उनका समर्पित किया फांसी स्थल पर। हर वर्ष अमर शहीद खुदीराम बोस के पैतृक गांव के मिदनापुर से लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते जरूर हैं।
जिस समय हिंदुस्तान में गांधी की आंधी भी नहीं चल रही थी, उस समय मेदिनीपुर बंगाल से आया हुआ एक नौजवान मुजफ्फरपुर पहुंचता है और 30 अप्रैल 1908 को केनेडी परिवार पे बम फेंककर वो एक बड़ा धमाका करता है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। वो धमाका आज भी याद करने वाला आवाज़ है। 11 अगस्त 1908 को आज ही के दिन इसी शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में उन्हें फांसी दे दी गई थी। पर कहा जाता है कि शहीद कभी मरते नहीं। वो आज देखने वाली बात है कि उनके परिवार के लोग यहाँ आते हैं हर वर्ष की तरह और उन्हें पूरा प्रशासन यहाँ का जो है वो याद करता है। बालिका गृह में जांच के लिए पहुंची सीबीआई और एसएफएल की टीम ने सील कमरे का ताला खोल हर कमरे की जांच की। इस दौरान एफएसएल की टीम ने कई जगहों का नमूना लिया। बालिका गृह कांड मामले को लेकर सीबीआई और एसएफएल की टीम शनिवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह पहुंची। सुबह 9 बजे करीब टीम बालिका गृह पहुंच गई थी। जांच के दौरान टीम ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को बालिका गृह में बुलाया था। जांच की टीम रुक रुक कर राहुल आनंद से पूछताछ कर रही थी। दिन भर सीबीआई के डीआईजी और एफएसएल के अधिकारी वहां के चप्पे चप्पे का नमूना ले रहे थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में बालिका गृह के सील कमरे का ताला खोला गया और पूरी सीबीआई की टीम लगातार बालिका गृह के कमरों को खंगाल रही थी तथा एफएसएल की टीम वहां से कई नमूने भी ले गई। सीबीआई ने महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी से भी पूछताछ कर हर पहलुओं की जानकारी ली। सीबीआई की टीम ने मौके पर बालिका गृह के कैंपस में खुदाई के नगर निगम की बॉबकट को भी बुलाकर रखा गया था। हालांकि आज खुदाई नहीं कराई गई। पूरे दिन भर बालिका गृह से ब्रजेश ठाकुर के आवास तक चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही सभी मीडिया कर्मी को बालिका गृह के बाहर ही रोक दिया गया था। सीबीआई की टीम ने निकलने के दौरान सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हमारे डीआईजी सर ही कुछ बोलेंगे। हालांकि जब कैमरा हटा तो अधिकारी कल खुदाई करने की बात कह रहे थे। कितने लोग कौन अधिकारी आए हुए हैं? हमारे डीआईजी साहब के नेतृत्व। कितने लोग ये बता सकते हैं? जी जी जी। तो अब तक कुछ जेसीबी वगैरह मंगाया गया? जेसीबी सर क्यों मंगाया गया? हमारे डीआईजी साहब खुदाई फिर से होगी क्या? मुजफ्फरपुर की बहुचर्चित कांड बालिका गृह मामले में आज सुबह से ही फॉरेंसिक की टीम बालिका गृह पहुंची हुई है। सीबीआई की मजिस्ट्रेट की निगरानी में बंद कमरे की तलाशी ली जा रही है। ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को भी बुलाया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उक्त है कि बालिका गृह मामले में चल रही पूछताछ के बाद फिर से खुदाई करवाने के लिए जाँच एजेंसी ने जेसीबी मशीन मंगवा रखी है। मैं सोनू, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बिहार ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष सह रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के स्मारक पर माल्यार्पण किया। शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस के मौके पर शनिवार को बिहार ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष सह रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कंपनी बाग स्थित उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा, शहीद खुदीराम बोस आज के ही दिन हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजों के बग्घी पर बम फेंक दिया था। हम लोगों को उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर हिंदुस्तान में आजादी के लिए बहुत कुर्बानी की, साथ ही आज खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है। मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात, ऐसे महापुरुष मुजफ्फरपुर को ही चुना। देश में तो और जगह था, क्यों? मुजफ्फरपुर एक खटाई जगह है। मुजफ्फरपुर का एक अलग पहचान शायद इसी के लिए खुदीराम बोस जी मुजफ्फरपुर को चुने, इससे पूरे भारत में संदेश जाए। इस संदेश के माध्यम से आज़ादी का धमाका जो उन्होंने किया, आज आज़ाद भारत में हम लोग हैं। लेकिन आज़ादी तो मिला, लेकिन सही मायने में लोग इसको गलत अर्थ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में देश का विकास संभव नहीं है। खुदीराम बोस जी के शहादत पर
हम पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को, बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं, इसे सीख लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर में आज जो नए नए चीज़ का तरह तरह से उपचार हो रहा है, सही हो गलत हो, ये चीज़ मुजफ्फरपुर के लिए अशोभनीय है। हम सभी मुजफ्फरपुर वासी खुदीराम बोस जी का नमन करते हैं। डिप्टी मेयर मान मदन शुक्ला पर किए गए मुकदमे की वापसी के लिए YSS ने शहीद स्मारक स्थल पर एक दिवसीय उपवास रखा। डिप्टी मेयर मान मदन शुक्ला पर किए गए मुकदमे की वापसी और नगर आयुक्त के तबादले की मांग को लेकर शनिवार को युवा संघर्ष शांति ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनशन किया। इस अवसर पर YSS के नेताओं ने कहा कि नगर आयुक्त अपने फायदे के लिए डिप्टी मेयर को फंसा रही है। मुजफ्फरपुर में जब से नगर आयुक्त आए हैं, शहर का विकास ठप हो गया है, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, नगर आयुक्त को बर्खास्त कर नगर निगम की व्यवस्था ठीक की जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो अभी व्यवस्था चल रही है वो पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था है और एक प्रशासनिक अधिकारी नगर आयुक्त द्वारा अपने प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करके जो विकास पुरुष, जो विकास के लिए कृत संकल्पित है मुजफ्फरपुर नगर निगम के उप महापौर, उनके खिलाफ झूठी मुकदमा करके, उन पर झूठा केस करवा करके उनको तंगो तबाह किया जाता है। और नगर आयुक्त का ये रवैया पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक से प्रेरित होकर के उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बड़े बड़े शहर के सफ़ेद पोशों ने उनकी जमी हुई पाँव को उखाड़ फेंकने की जो कोशिश, पुरजोर कोशिश की है, आज उन्हीं के खिलाफ और हम लोग उप महापौर जी के समर्थन में जो वार्ड पार्षदों द्वारा अनशन पिछले चार दिनों से चल रही है, उनके समर्थनों में आज युवा संघर्ष शक्ति मैदान में उतरी है। और हमारी मांग है कि उप महापौर को दोष मुक्त करार किया जाए और उन्हें हर तरह के आरोप से मुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोगों का जो आगे का रणनीति होगा वो धरना प्रदर्शन करके उनके समर्थन में अपना हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित Genius Classes में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 763-509-1378 763-509-1387 763-509-1396। जीनियस नाम ही पहचान है। बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अघोरिया बजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर R93-34-90-088-88-99-73-24-63-00। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं, प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही।
एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में स्वागत है। खुदीराम बोस के केंद्रीय कारावास में जिलाधिकारी के निर्देश पर सघन जांच की गई। जांच के दौरान टीम ने जेल से 12 मोबाइल, 20 ग्राम गांजे के साथ कई सामग्रियों को जब्त किया। खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में जिलाधिकारी के छात्र गठित टीम ने सघन जांच की गई। दरअसल 15 अगस्त को लेकर पूरे बिहार के जेलों में सघन जांच की गई। खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में सघन जांच के दौरान जिलाधिकारी, SSP, CTSP समेत कई थानों की पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। 4 घंटों से अधिक चली इस जांच में कुल 60 वार्ड को जांचा गया, जिसमें लगभग 2060 कैदियों की जांच भी की गई। सघन जांच के दौरान जेल के वार्डों से पुलिस ने 12 मोबाइल, 4 चार्जर, 2 सिम कार्ड, 2 बैटरी, 1 हेडफोन, 2 पेनड्राइव, 5 कैची तथा 20 ग्राम गांजे को जब्त किया। सघन जांच के बाद सभी अधिकारी बारी बारी वहां से चले गए। इस दौरान जांच को लेकर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले। शहीद खुदीराम बोस की 110वीं शहादत दिवस पर जिला प्रशासन ने शहीद स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं चिता भूमि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। खुदीराम बोस की 110वीं शहादत दिवस पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सुबह तकरीबन 8 बजे जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सभी अधिकारी ने बारी बारी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं दूसरी ओर 11 बजे दिन में सोडा गोदाम चौक स्थित खुदीराम बोस चिता भूमि स्थल पर जिले के सभी आला अधिकारियों ने पहुंचकर चिता स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शहर में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात चोरों ने नगर थाना के अखाड़ा घाट सब्जी मंडी के पास सुधा डेयरी का ताला तोड़ हजारों रुपए नगद के साथ सामानों की चोरी कर ली। नगर थाना के अखाड़ा घाट सब्जी मंडी के पास सुधा डेयरी में शुक्रवार की देर रात चोरी हो गई। सुबह जब दुकान खोलने के लिए दुकान मालिक पहुंचा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। डेयरी से 35,000 नगद और सामग्री गायब थे। इस सूचना थाना को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच जांच में जुट गई है। दुकानदार राजेंद्र साह ने बताया कि शुक्रवार को दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। सुबह जब दुकान पर आए तो ताला टूटा हुआ था। दुकान के अंदर से तकरीबन 50,000 की सामग्री और 35,000 नगद गायब है। इस मामले में अज्ञात चोरों पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 11 बजे दुकान बड़ा उड़ा गया। उसके बाद हम जब सुबह हम आके देखे तो दुकान का हम जो ताला उला सब तोड़ा हुआ गया हुआ था। शटर काट के हम जब ऐसा तोड़ा गया कि दीवार वाल सब टूट गया। अंदर देखे तो पूरा हम जो सामान उमान पैसा उजा सब लमसम जो भी रखा हुआ सब गायब हो गया। कितना कितना पैसा था? लमसम 30-35 हज़ार के करीब में रहा है।
और संपत्ति वगैरह? संपत्ति यहाँ कुछ नहीं, जैसे सामान वामान भी गायब, जो भी कैश है, कैश है और कैश के अलावा सामान वामान भी कुछ गायब। कितने सामान होगा? 30-35 हज़ार का नहीं होगा सामान भी? किस नहीं सामान नहीं सामान सामान वामान अभी मिला नहीं है, लगभग 10-12 हज़ार का होगा। प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए? प्रशासन के पास गए तो बोले हैं कि अभी कंप्लेन दायर कीजिए, उसके बाद हम आके इंक्वायरी करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। बातें तो लोग भूल जाते हैं पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक,
keyring studio, 3D cap printing, school bag printing, lunch box and tiles printing के साथ साथ permanent tattoo और temporary tattoo वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, guitars, wall printing in all designs, printing on any material like t-shirt, keyring, tiles, mug printings and all various other materials. तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, tattoo in and printing. महिला थाना नाका नंबर 4 पुरानी बाजार मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में स्वागत है। अखाड़ा घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी में एक व्यक्ति की लाश उफनाने से अफरा तफरी मच गई। शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में शनिवार को एक व्यक्ति की लाश उफनाने से अफरा तफरी मच गई। नदी में लाश देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और शव की पहचान करने के लिए गहमा गहमी होता रहा। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सिकंदरपुर ओपी को दी। मौके पर पुलिस पहुंच नदी से लाश निकलवाया और लाश की पहचान की जाने लगी, लेकिन अब तक लाश की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब के नशे में नदी में गिरने से मौत हो गई है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। क्या हुआ है? एक लाश को हम देखे हैं, तो लाश के कारण ये पुल जाम आते यातायात जाम करना उचित नहीं होता है। अच्छा। ये जनता का सेवा है। लाश के बारे में क्या जानकारी मिली? नहीं, कुछ नहीं जानकारी मिला है हमको। हम इसमें देखे कि एक लाश है और पुलिस प्रशासन आएंगे, उनको निकालेंगे, उनका छानबीन होगा, तब जो ना कुछ देखा जाएगा। अच्छा। हम क्या जाने की अज्ञात आदमी क्या जानने की है? आपको क्या सुनने मिला है? मिला कि कोई मार के फेंक दिया कि डूब दिया, इतने सुने में। लाश का पहचान उचन हो पाया है? क्या आगे की कार्रवाई? नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम में लगी कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते पूरी कार धू धू कर जल गई। नगर थाना के सिकंदरपुर स्टेडियम कैंपस में 10 दिनों से खड़ी लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धू धू कर कार जल गई। हालांकि कार में लगी आग को देखकर स्थानीय लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने कार में लगी आग को बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन कार में लगी आग नहीं बुझ पाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि PNT कॉलोनी वासी कन्हाई पंडित की सफेद कार 10 दिनों से स्टेडियम के पास खड़ी थी, इसमें देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हुआ कि आग लग गया एक बजे रात। कैसे आग लगा है? अभी तो कोई नहीं जानता कि कैसे लगा है। आप उठ के आ जाके देखे? अभी तो हम आइए रहे हैं। तो देखे हैं जला हुआ? हाँ, जला हुआ। तो देखिए, जलने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोई तो कह रहा है कि बैटरी से लग गई। 11 बजे हल्ला हुआ कि आग लगा हुआ है। आए तो देखे पूरा लहक रहा था, तो हम लोग 5-6 लड़का सब मिल के बुझाए। अब कैसे आग लगाई तो पता नहीं चला, नहीं पता चल पाया कारण, अभी तक तो पता नहीं चला। कार मालिक को पता होता है कि नहीं? मालिक को अभी कॉल किया गया है, वो आ रहा है। अच्छा, बात हुआ है उससे? हाँ, बात हुआ है। शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर ऑल इंडिया DSO और ऑल इंडिया DYO ने संयुक्त रूप से जुलूस निकालकर शहर में घूमे। इस दौरान खुदीराम बोस जिंदाबाद क्रांतिकारियों को इतिहास में जगह देना होगा के नारे भी लगाए। शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस के अवसर पर शनिवार को ऑल इंडिया DSO और ऑल इंडिया DYO के संयुक्त तत्वावधान में मोतीझील स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो शहर के तिलक मैदान रोड सरैयागंज टावर होते हुए कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचा, जहां सभा की गई। इस दौरान छात्रों और युवाओं ने शहीद खुदीराम बोस जिंदाबाद, क्रांतिकारियों को इतिहास में उचित स्थान देना होगा के नारे लगाए। इस अवसर पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के स्मारक पर माल्यार्पण की गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए SUCI के राज्य कमेटी सदस्य लाल बाबू महतो, AIUTUC के केंद्रीय नेता विमल जाना, ऑल इंडिया DYO के जिलाध्यक्ष
अरविंद कुमार ऑल इंडिया डीएसओ के राज्य अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि खुदीराम बोस काफी कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए थे। देश में बढ़ते यौन हिंसा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट क्रांतिकारियों के बताए रास्ते को छोड़ने से पैदा हुआ है। आज 11 अगस्त शहीद खुदीराम बोस का 110वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर इस देश के एकमात्र क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ और इस देश के एकमात्र युवा संगठन क्रांतिकारी युवा संगठन ऑल इंडिया डीवाईओ के संयुक्त तत्वाधान में मोती झील स्थित संगठन के कार्यालय से एक सुसज्जित जुलूस की शक्ल में हम चलते हुए कंपनी बाग खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुँचे हैं, जहाँ एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और हम खुदीराम बोस के विचारों को देश के अंदर में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में हम जन आंदोलन निर्मित कर रहे हैं, उनके शहादत दिवस को मना रहे हैं। उनका जो सपना खुदीराम बोस शरीक है, इस देश के तमाम क्रांतिकारियों खुदीराम बोस, अश्फाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शरीक है क्रांतिकारियों का जो सपना था, आज वो अधूरा है। आज हमारे देश के अंदर में जो आर्थिक संकट, सामाजिक और राजनीतिक संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, सांस्कृतिक संकट बढ़ रहा है, आप अब देख रहे हैं बालिका गृह कांड जैसी समस्याएं, छोटी छोटी बच्चियों पर रेप गैंग रेप जैसी समस्याएं, लूट हत्या बलात्कार गैंग रेप बढ़ रही है, समाज में भुखमरी महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके खिलाफ में अगर सचमुच में खुदीराम बोस के जीवन संघर्षों से सीख लेकर इस सपना को साकार कर सकते हैं। इस आज की खबरों का सिलसिला होता है खत्म, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।